हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी चैनल की पांचवी वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह वेब पेज पर एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। और जो आपको पता भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 क्योंकि बहुत ही एडवांस है, इसलिए आप भी, मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी इसे यूज़ करें। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है किस तरह हम एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं और मैं उसे फिर शो भी करवाऊंगा आपको वेब पेज पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कंट्रोल एस दबाया, हम पहले फाइल सेव कर लेते हैं। ये हमने इसकी एक्सटेंशन चूज़ कर ली HTML। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। ये हमारी फाइल सेव हो गई, अब स्टार्टिंग लेते हैं HTML से। इंटर दबाया, इंटर करके बॉडी के दरमियान टैग लगाना है हमें इनपुट का, इनपुट इंटर दबा दिया। उसके बाद टाइप इसकी रखनी है बटन, क्योंकि हम एक बटन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, शायद आपके लिए नई हो, वैल्यू। वैल्यू में हम लिखेंगे सबमिट। हमने सबमिट टाइप किया, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया और उसे ब्राउज़र में ओपन किया। ये देखें दोस्तों, ये एक बटन है। मैं आपको इसे जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखें आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये एक बटन क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल बेसिक। अब इसके आगे आप इस पर बैकग्राउंड कलर्स भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट के कलर्स भी डाल सकते हैं। स्टाइल का टैग लगाया और बैकग्राउंड कलर हम डालते हैं इसमें वाइट। उसके बाद ये मैंने चेंज कर दिया ब्लैक। उसके बाद कलर हम डालते हैं ब्लैक, दोनों ही हमने ब्लैक डाल दिए। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में ओपन किया। ये देखें दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट किधर गया है। असल में टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो गया, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। हम इसको कर देते हैं वाइट। अब देखें, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में ओपन किया, देखते हैं क्या चेंज आया। रीलोड किया, देखें दोस्तों, इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल बेसिक बटन हमने 2 मिनट्स में क्रिएट कर लिया, अब कितना आसान है। इस तरह मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स मैं आपको देता रहूँगा ताकि आप सीखते रहें। अब इसके आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो आप बटन में ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ, इसकी हाइट, देखिए मैंने इसकी विड्थ टाइप की 150px। अब मैं इसकी हाइट लगा देता हूँ 100px। देखें दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या चेंज आया। देखें दोस्तों, इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई, इंक्रीज़ हो गई। जिस तरह हम कोडिंग में इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, चेंज करेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी शो होगा। तो इस तरीके से हम एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट का कलर ऐड कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह आप एक बेसिक बटन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान ही काम है। मेरे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं, आप एक बार चेक करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप एक बार ज़रूर चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फी अमानिल्लाह।